नमस्कार। YouTube के हमारे समस्त दर्शकों को प्रणाम। मैं आज आपके फिर उस प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ जो मैंने पंक्ति अलंकार की दी थी आज सुबह। यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की लाली, शाही शान भिखारिन की है, मनोकामना मत वाली। उत्तर बताऊं, इससे पहले मुझे आज थोड़ा दुख हुआ। मैंने विगत दिनों कई चीज़ें फेसबुक में लिखी। मैंने एक हंसी का दोहा लिख दिया था, 49 साल पुराना, जाते ही मिलती नहीं जहां एक कप चाय। हुआ ये, उसमें 450 लोग जुड़ गए आकर के, एक से एक बढ़िया कमेंट आने लगे। एक मैंने अपना चित्र डाल दिया, ग्रेजुएशन का, डिग्री वाला, 400 लोगों के कमेंट आ गए। जब मैंने कल आपसे एक अलंकार पूछा था तब लगभग 100 लोग आए, घबराते हुए आए। लेकिन आज स्थिति ये हुई कि लोगों ने चुपचाप शांति बना ली। कुछ लोगों ने डरते हुए लिखा, साथियों डरने की क्या आवश्यकता है, फेसबुक है, हमारा परिवार है, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, यहाँ जय और पराजय का क्या प्रश्न है। ठीक है, आता है आता है, नहीं आता है नहीं आता है, प्रयास तो करेंगे, बताएंगे। तो कुछ लोग इस बात से परेशान थे कि हमारे विद्यार्थी कल हमसे कक्षा में पूछेंगे कि आपका भी गलत था, क्या अंतर पड़ता है, कोई चिंता की बात है। अरे गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मैं एक ही निवेदन करूंगा, 1000 मित्र थे हमारे, मैं जब कोई प्रश्न करूं या आप जब कोई प्रश्न करें तो 400-500 से कम की भीड़ नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई उत्तर आना चाहिए। साथियों जब मैं कक्षा 10 में पढ़ रहा था तो मैंने राम नरेश त्रिपाठी की कविता पढ़ी थी, और वो कविता थी कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। कविता भगवान के ऊपर थी, ईश्वर के ऊपर थी। तू रूप है किरण में, तू हे भगवान तुम किरणों में जो सुंदरता है, रूप है वो तुम हो। सौंदर्य है सुमन में, सुंदरता फूल की आप हैं। तू प्राण है पवन में, ये जो हवा जीवनदायिनी है उसमें आप ही हैं। और विस्तार है गगन में, और गगन आकाश का जो विस्तार है वो भी आप हैं। ईश्वर का ही विविध रूपों से वर्णन है। ठीक, आज इस प्रकार जो मैंने आपको कविता दी, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं, उन्होंने इसमें अपनी बेटी का परिचय दिया है। कविता का शीर्षक है बालिका का परिचय। कविता का अर्थ देख लेते हैं, यह मेरी गोदी की शोभा, अपनी बेटी को कहती हैं ये मेरी गोदी की सुंदरता है, यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की लाली, हमारे सुख और सौभाग्य की लाली माँ है, अनुराग है, प्रेम है। तीसरी पंक्ति में कहती हैं शाही शान भिखारिन की है। मुझे हमारे शिक्षक ने बताया था, शुक्ला सर पढ़ाया करते थे, शाही शान क्यों कहा ये सोचने की बात थी। मुझे जो उन्होंने बताया उस मुझे आज भी याद है कि उस समय इस लड़की के पिताजी का स्वर्गवास अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान विधवा हो गई थी, दुख था। मगर वो कहती है शाही शान भिखारिन की है। भिखारिन इसलिए कह दिया क्योंकि स्त्री अपने को बड़ा दुखी मान रही है सुभद्रा कुमारी, और कहती हैं मैं मेरी शान है ये, हमें बड़ा दुख है, ठीक है, लेकिन हम हमारे पति की याद के रूप में हम इस बेटी को अपनी शान मानते हैं, सम्मान मानते हैं। शाही शान भिखारिन की मनोकामना मतवाली, हमारी तमाम इच्छाओं को ये पूरा करेगी। परिचय अब देखें, अब मैं अलंकार पे आता हूँ। आज की जितनी एक लंबी सूची थी उसमें हमारे एक मित्र हैं बरेली के कांडपाल जी, उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लेकिन बाकी लोगों के उत्तरों में अनुप्रास, विरोधाभास तो है ही नहीं। कुछ लोगों ने हमारे विरोधाभास रखा, मगर अगर अर्थ में जाएंगे विरोधाभास देखेंगे कैसे है? आप कहते हैं शाही शान भिखारिन की है, भिखारी क्या भिखारी की शान नहीं हो सकती? अरे भाई गुदड़ी में लाल तो हमारे यहाँ कहा जाता है, वहाँ विरोधाभास नहीं है। हाँ शीतल ज्वाला जलते संभव, शाही शान भिखारी की हो सकती है। कल्पना कीजिए, आप मानना चाहे मान लें, आज के पाठ्यक्रम में ही दिक्कत है, बच्चों को इन्हें गिने अलंकार दिए गए हैं और परिणाम ये हुआ है केवल उदाहरण दे दो या पंक्ति आ जाती है उसका अर्थ लिख दो अथवा इसमें कौन सा अलंकार है, परिणाम ये होता हम सीख नहीं पाते। मैंने कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा में इस अलंकार को पढ़ा था, परीक्षा में आया था। अलंकार का नाम है उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार की परिभाषा ये है, एक ही वस्तु का
एक ही चीज का, एक ही रूप का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए। वहाँ पर उल्लेख होता है, बालिका का परिचय है, यह मेरी गोदी की शोभा, वही बालिका सुख सुहाग की लाली, शाही शान भिखारिन की है, मनोकामना मत वाली। मैंने एक उदाहरण आपको पहले सुना दिया, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, विस्तार है गगन में, तू प्राण है पवन में, ये अलंकार थे। साथियों, आपने इस अलंकार को सीखा होगा, कुछ न कुछ हम जब सुनते हैं बड़ों से सीखते हैं। बिल्कुल मत भूलिएगा, परसों शुक्रवार को कबीर जयंती है, कबीरदास जी का जन्म हुआ था। कबीर हिंदी साहित्य में एक ऐसी शख्सियत कि जिनके विषय में हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। मैं कबीर पर 15 मिनट का एक व्याख्यान लेकर आऊँगा, परसों आपको समय निकालना है, पूरे 15 मिनट कबीर पर सुनिए और कबीर के विषय में जानिए। आज की बात यहीं समाप्त, फिर एक बार उल्लेख अलंकार, ऊ आधा ला, फिर पूरा ला, ला में एक ही मात्रा और खा उल्लेख, ये उल्लेख अलंकार था। एक ही शब्द का या एक ही वस्तु का जब विविध प्रकार से, अनेक प्रकार से वर्णन होता है, उसे उल्लेख अलंकार कहते हैं। आज की वार्ता समाप्त, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद।